अगर यहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपका ये परम कर्तव्य है, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ करके ये समझने का प्रयास करना है आखिर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। जैसे ही हम लोग ये समझ जाएंगे कि हमारे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है और उस जो चीज कहा जा रहा है उससे उसका प्रयोग करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पहुंच जाए ना, ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाने वाला। यहाँ बोला जा रहा है एक दुकानदार है, हाँ भैया एक दुकानदार है। एक बार आप प्रयास जरूर करोगे, इसको पढ़ करके ये समझने का प्रयास करोगे आखिर हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है। ओके, हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक दुकानदार है, ठीक है, वो खरीदता है, क्या खरीदता है, एक सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स, मतलब एक दुकानदार जो है ना कुछ किताब खरीद रहा है, कुछ किताब क्या खरीद रहा है, खरीद रहा है। ओके भैया खरीद रहा है कुछ किताब, कितना खरीद रहा है, नंबर ऑफ बुक्स मान लीजिए एक्स है, नंबर ऑफ बुक्स एक्स है, हमको नहीं पता कितना बुक्स है लेकिन नंबर ऑफ बुक्स जो है वो एक्स है, एक्स बुक्स का मतलब है। कुछ एग्जांपल भी लेके चलेंगे नीचे में, क्योंकि बिना एग्जांपल का हमका समझ में ही ना आवत है, मतलब यहाँ पर हमको नंबर ऑफ बुक्स नहीं दिया हुआ, अपने मन से एग्जांपल मान लेते हैं। चलो वो दुकानदार जो है पांच किताब खरीद रहा है, कितना किताब खरीद रहा है, पांच किताब खरीद रहा है, ठीक। फिर बोला गया सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स जो खरीदता है वो 80 रुपए में खरीदता है, मतलब इस एक्स किताब को वो कितने रुपए में परचेज कर रहा है, वो 80 रुपए में परचेज कर रहा है, अर्थात इस पांच बुक को वो 80 रुपए में परचेज कर रहा है। एग्जांपल लेके चल रहे हैं क्योंकि बिना एग्जांपल लिए हमसे हमका समझ में ही ना आवत है, बिल्कुल सही। अगेन यहाँ पर ये मेरा पहला कंडीशन कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड कंडीशन बहुत ही प्यारा कंडीशन दिया हुआ है, इफ ही बाय 4 मोर बुक्स देन न्यू कॉस्ट प्राइस ऑफ इच बुक। ये बहुत ही प्यारा टर्म है, यहाँ से पढ़ोगे न्यू कॉस्ट प्राइस ऑफ इच बुक, इसका मतलब अगर समझ जाओगे ना ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाने वाला। मैंने क्या लिखा, द न्यू कॉस्ट प्राइस ऑफ इच बुक, मतलब न्यू कॉस्ट प्राइस, न्यू सीपी ऑफ इच बुक, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस हुआ, मतलब हर एक बुक का सीपी किस प्रकार निकालते हैं, अगर इसको निकालना सीख जाओगे समझ लो आप सीख चुके हो। जैसे समझोगे एग्जाम्पल यहाँ पर लिए थे ना, अगर पांच किताब का मूल्य 80 रुपया है तो हर एक किताब का मूल्य कितना होगा, अगर ये निकालना सीख जाओगे ये क्वेश्चन आसानी से बन जाने वाला, कहीं कोई समस्या नहीं होने वाला। अच्छा इसी का बताओ, आपके पास पांच किताब है जिसका कीमत 80 रुपया है, अगर मैं कहूंगा तो एक किताब का कीमत कितना होगा, आप बताओगे सीपी ऑफ इच बुक कितना होने वाला, प्राइस ऑफ इच बुक कितना होने वाला, ठीक है। तो आप तुरंत बोलोगे भैया प्राइस ऑफ इच बुक, ठीक है, प्राइस कितना होने वाला, प्रत्येक किताब का प्राइस कितना होने वाला। तो तुरंत आप 80 में 5 से जैसे ही डिवाइड करोगे तो जो भी वैल्यू निकलेगा, हाँ जी जो भी वैल्यू निकलेगा वो हर एक किताब का आपके पास वैल्यू आ जाने वाला, अर्थात आपको जो है टोटल प्राइस ऑफ बुक में जो है नंबर ऑफ बुक्स से डिवाइड करना होता है, तो हम लोग का एक किताब का कीमत निकल जाता है, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं प्राइस ऑफ इच बुक कितना हो जाएगा, प्राइस ऑफ इच बुक कैसे निकाले ये पता चला आपको, बिल्कुल आप निकाल सकते हो प्राइस ऑफ इच बुक। तो प्राइस ऑफ इच बुक कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ प्राइस में, अर्थात टोटल अमाउंट 80 रुपए है उसमें नंबर ऑफ बुक्स से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का प्राइस ऑफ इच बुक निकल जाएगा, अर्थात नंबर ऑफ बुक्स कितना है, 5 है, 5 से डिवाइड किए हम लोग का ये कटी छटी गया, 5 एकम 5, हाँ भैया 3, 5 के 30, अर्थात 16 रुपए हर एक किताब का कीमत, मतलब हर एक किताब का कीमत निकाल चुके हैं 16 रुपए। इसी प्रकार हमको जो है प्राइस ऑफ इच बुक निकालना होता है, अर्थात इस टर्म का मतलब समझ गए इसको किस प्रकार निकालते। अच्छा ठीक है भैया अभी छोड़िए ये सारी बातें, हम सेकंड कंडीशन पर ध्यान देंगे कि सेकंड कंडीशन पर क्या कहा जा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है इफ ही बाय 4 मोर बुक्स, अगर वह जो है 4 किताब और अधिक खरीदता, मतलब अगर वो 4 किताब, यहाँ पर सपना देखा जा रहा है, अगर वो 4 किताब अधिक खरीदता, मतलब अभी एक्स किताब खरीद रहा है, अगर वो 4 किताब अधिक खरीद लेता उस कंडीशन में बोला गया है कि 1 रुपए कम हो जाता प्राइस ऑफ इच बुक, मतलब पहले हमको दोनों का प्राइस ऑफ इच बुक निकालना होगा, या फिर आप बोल सकते हो सीपी ऑफ इच बुक, जो आपको बोलना है, दोनों एक ही चीज है, प्राइस ऑफ इच बुक बोलिए या फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ इच बुक बोलिए, दोनों सेम चीज है। जल्दी से बताइएगा दोनों के लिए प्राइस ऑफ इच बुक कितना हो जाएगा, तो तुरंत आप बोलोगे मेरे प्यारे भैया हमको आप सिखा दिए हैं कि प्राइस ऑफ इच बुक कैसे निकालते, टोटल अमाउंट में नंबर ऑफ बुक्स से डिवाइड कर देंगे तो प्राइस ऑफ इच बुक निकल जाएगा, अर्थात प्राइस ऑफ इच बुक कैसे निकालना होता है, प्राइस ऑफ इच बुक बहुत प्यारे तरीके से जो है हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ अमाउंट में हम लोग नंबर ऑफ बुक्स से जैसे डिवाइड करेंगे तो प्राइस ऑफ इच बुक निकल जाएगा। इसका भी सेकंड कंडीशन के लिए ही अगर मैं बोलूं बताइएगा प्राइस ऑफ इच बुक कैसे निकालेंगे, तो तुरंत आप बोलोगे भैया प्राइस ऑफ इच बुक ही निकालना है ना, सिंपल सा टोटल अमाउंट कितना है इसका, टोटल अमाउंट इसका है टोटल अमाउंट इफ ही बाय 4 मोर बुक्स देन न्यू कॉस्ट प्राइस, मतलब अगर वो 4 किताब अधिक खरीद लेता उतने ही रुपए में,
ठीक है, यहाँ पर आपका हाइड किया हुआ है, सेम वही प्राइस है। मतलब यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि आप जो है ना एक्स किताब खरीदते हो 80 रुपए में। अब मन में सोचोगे, सिर्फ मन में सोच रहे हो, अगर हम जो है चार किताब अधिक और इतना ही प्राइस में चार किताब अधिक खरीद लेते हैं ना, तो हमको प्रत्येक किताब पर जो कीमत होगा, प्रत्येक किताब का जो कीमत होगा उस पर 1 रुपए कम मिल जाता। मतलब मन में विचार कर रहे हैं ये, सेकंड कंडीशन पूरा का पूरा आप मन में विचार कर, अगर ऐसा होता तो ये हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस तो सेम ही है, हम लोग का प्राइस हम लोग का 80 रुपए ही है। अब यहाँ हम लोग विचार कर रहे हैं कि एक्स किताब खरीदे 80 रुपए लग गया, अगर चार किताब और अधिक खरीद लेते जो भी मेरा प्राइस ऑफ ईच बुक है उसमें हमको 1 रुपए कम प्राप्त होता, ऐसा मन में विचार कर रहे हैं। अर्थात इसका प्राइस ऑफ ईच बुक कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ प्राइस में हम लोग नंबर ऑफ बुक्स से डिवाइड कर देंगे, अर्थात x प्लस 4 से डिवाइड कर दिए। अब मन में ये विचार चल रहा है इस कंडीशन में हमको 1 रुपए कम ही पड़ता हर एक किताब की कीमत पर। फिर से आपको वही ध्यान में रखना है, हम है ये हमारा बहना है, अगर हमारे पास टोटल जो है इतने रुपए हैं, कितने रुपए हैं 80/x रुपए हैं, हमारी बहना के पास 80/x+4 रुपए हैं। अगर हमें पता है हमारे बहना के पास हमसे 1 रुपए कम है, अगर हम दोनों को बराबर करना है आपस में, तो अपने बहना को 1 रुपए और देना पड़ेगा, तब आप और आपकी बहना आपस में बराबर हो जाएंगे। सेम वही चीज, अगर दोनों को बराबर करना होगा, अगर दोनों को बराबर करना होगा तो सिंपल सा 80/x = 80/x+4+1 करना होगा वहां पर, क्योंकि इक्वल करना है हम लोग को। इक्वल मतलब एक इक्वेशन बनाना है, अगर आपकी बहना के पास आपसे 1 रुपए कम है तो इसको 1 रुपए और अधिक दे करके वहां पर हमको दोनों को इक्वल करना होगा। आराम से यहां से इक्वल करोगे और आपका एक बहुत ही प्यारा सा इक्वेशन आ जाएगा। अब इतना मैंने बता दिया, इसके हेल्प से आप इस क्वेश्चन को खुद से बना सकते हो, तो प्रयास करोगे खुद से बनाने का, बनेगा आपसे, नहीं बनेगा तो मैं हूं ना, मैं बताऊंगा। यहाँ देखो कैसे बनाते हो, वो देखो, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ देखोगे और इसको आप अगर हो सके तो खुद से बनाने का प्रयास करोगे। इतना बताने के बाद भी अगर खुद से नहीं बन रहा है तो ऐसा क्वेश्चन अगर न्यू टाइप में आ जाएगा ना तो वहां आपसे नहीं बनेगा, इस बात को समझ के चलना। हाँ, आपको परेशानी हो सकता है लैंग्वेज को लिखने में, तो लैंग्वेज को हम लोग क्वेश्चन से ही ढूंढ ढूंढ के लिखेंगे जिससे कि आपको समस्याएं नहीं आए। यहाँ पर नंबर ऑफ बुक्स को हम लोग एक्स माने हैं ना, हाँ बिल्कुल, तो हम लोग मान ही लेते हैं फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स। देख लो, जिसको हमको एक्स मानना होता अक्सर वो मेरे फाइंड में लिखा होता, इस बात को समझ के चलना। तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ बुक्स, मतलब सिर्फ इतना ही लिखो, लेट द नंबर ऑफ बुक्स इक्वल टू एक्स। यहाँ लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स इक्वल टू एक्स। हम लोग नंबर ऑफ बुक्स को मान चुके हैं, ठीक है। आगे हम लोग ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे समझिएगा, सिंपल सा मेरा मन कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देने का, लेकिन नहीं, चलो हम लोग सबके लिए बारी बारी से, वरना इस चीज को आप दर्शा सकते हो, यहाँ पर इस चीज को पूरा कहो बहो वो यहाँ पर दर्शा सकते हो, दर्शा ही देते हैं, ठीक है। अगेन फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, अगर नंबर ऑफ बुक्स एक्स है उसका कीमत 80 रुपए है तो प्राइस ऑफ ईच बुक कितना निकल जाएगा। देखो फर्स्ट कंडीशन इसी तरह बना, अब चित्र के माध्यम से दर्शाने का प्रयास करो, वो ज्यादा सही रहेगा। नंबर ऑफ बुक्स कितना दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ बुक्स एक्स है जिसका टोटल प्राइस कितना है, टोटल प्राइस 80 रुपए है, यहां दिखा दिए। अगेन यही पर सेकेंड कंडीशन दिखा दोगे, सेकेंड कंडीशन अगर आप चाहते हो ड्रॉ के माध्यम से नहीं दिखाए तो वो भी मुझे बताओगे, हम पूरा का प्रॉपर लैंग्वेज वहां पर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ सेकंड कंडीशन क्या हो गया, अगर हम लोग चार किताब अधिक खरीदते, मतलब नंबर ऑफ बुक्स कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ बुक हम लोग के पास x प्लस 4 दिया हुआ रहता, उस कंडीशन में हम लोग को टोटल 80 रुपए ही पेड करने होते दोनों के लिए, प्राइस ऑफ ईच बुक निकाल लेना है। अच्छा, प्रत्येक किताब के लिए प्राइस क्या हो जाएगा वो निकालेंगे, अर्थात प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस भी बोल सकते हो, प्राइस ऑफ ईच बुक कितना हो जाएगा, सिंपल सा टोटल अमाउंट में हम लोग नंबर ऑफ बुक से डिवाइड करेंगे। अगेन यहां पर भी प्राइस ऑफ ईच बुक निकाल लेंगे, प्राइस ऑफ ईच बुक कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ अमाउंट में नंबर ऑफ बुक से डिवाइड करेंगे। बहुत प्यारा सवाल था। अगेन इसके बाद सिंपल सा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे और ये टर्म को लिख देंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आपके पास इतने रुपए हैं, आपकी बहन के पास इतना रुपए है और आपकी बहन के पास आपसे 1 रुपए कम है, अगर दोनों को बराबर करना हो, सिंपल सा बराबर करेंगे, लेकिन आपके बहन के पास जितना भी रुपए है उसमें 1 रुपए और जोड़ना होगा। फील करो इस बात को, ठीक है, तब समझ में आएगा आपको। अर्थात सिंपल सा 80/x
एटी बाई एक्स, ये तभी बराबर होगा एटी बाई एक्स प्लस फोर के जब हमको इसमें एक रुपए जोड़ना होगा। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है एक रुपए कम है, ठीक है। तो सिंपल सा आपको बात को समझना होगा, यहाँ पर हर एक चीज को हम समझे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम लोग का नंबर ऑफ बुक निकल जाने वाला। तो इसको हम सॉल्व भी किए देते हैं, आपको कैसे कैसे सॉल्व करना है उस बात को समझो। अब यहाँ तक पहुंचे हो तो कम से कम प्रयास कर सकते हो आप सॉल्व करने का। ऐसा इक्वेशन आपको क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, इसलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन का। इस बात को समझ के चलना, ये क्वेश्चन वैसे 2019 में पूछा गया है आपके एग्जाम में, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या ही करेंगे, सिंपल सा जो भी x वाला टर्म है उसको बराबर की इस तरफ लेते आते, जो हम लोग का जन्मसिद्ध अधिकार है वही करेंगे। सिंपल सा x वाले टर्म को बराबर के एक तरफ लेके आएंगे, जैसे ही बराबर के एक तरफ लेके आए यहाँ पर हमारे सामने कुछ अभूतपूर्ण, हाँ भैया अभूतपूर्व परिवर्तन दिखा, लेकिन हमको उस परिवर्तन के पीछे नहीं जाना है, हमको अस्सी कॉमन ले लेना है। यहाँ बच गया 1 - 1/x, यहाँ बचा 1/x + 4 = 1। इस 80 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ गुना छिपा हुआ है, जैसे वो बराबर की इस तरफ जाएगा इधर आकर के वो मेरा भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। आराम से इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हम लोग का कुछ इस प्रकार का रूप आ जाएगा, x से x में डिवाइड किए, यहाँ x प्लस फोर बचा, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ तो x प्लस फोर ही रहेगा, यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस दे देंगे, x प्लस फोर से डिवाइड किए, x बचा, x का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1 हो गया। अगर यहाँ 2 से ज्यादा टर्म होता इसको हम लोग कोष्ट में लिखते, इस बात को समझ के चलना, इस x से ये x कैंसल आउट हो गया, यहाँ ऊपर पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग का 4 ही बचा है। आराम से इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पर 1/80 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ किए तो सेम यही टर्म आएगा, बिकॉज हम जानते हैं कि 1 के साथ किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करोगे वही संख्या होता है। इस 80 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 का मल्टीप्लाई करने के बाद 4 से 320 हो जाएगा। अच्छा करते हैं ना, पहले x का मल्टीप्लाई किया, x² + 4x, इसको बराबर किस तरफ लेते आएंगे तो 320 हो गया = 0। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है हम लोग को ना, 320 और x² का कोफिशिएंट 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 320 ही हो गया, लेकिन यहाँ माइनस और प्लस माइनस में है, अर्थात -320। इसको हमको इसके हेल्प से किसी भी तरह +4x के रूप में कन्वर्ट करना है, ठीक है, +4 लाना, भी x को हटाओ, x तो आपको दिमाग में है कि x लगा देना है दोनों में, हमको इसको फैक्टराइज करके किसी भी तरह ऐसा दो अंक लिखना है जिसके जोड़ने या घटाने पर, जिसको सॉल्व करने पर मेरा 4 आ जाए। तो आपके मन में ये विचार होगा भैया जी क्या ही करें, तो समझ में ना आ रहा, सिंपल सा 320 को हम लोग फैक्टराइज करने वाले, करते हैं फैक्टराइज, तो करते हैं भैया 160 80, यहाँ पर 40, यहाँ पर 20, यहाँ पर 10, यहाँ पर 5। अब इसको दो टर्म में गुना करके हम करते हैं 4 8 16 10 12, क्या इसको जोड़ने के बाद मेरा 4 पूरेगा ना भैया? जोड़ने के बाद तो 4 नहीं पूरने वाला, क्या घटाने के बाद 4 पूरने वाला? बिल्कुल घटाने के बाद ये मेरा 4 पूरेगा। यहाँ पर अपना ही आपको ब्रेन यूज करना होगा, अगर यहाँ से खुद से सॉल्व नहीं कर रहे उतना समझ के चलना, अगर कैलकुलेशन में हल्का हल्का भी और फिर होने वाला तो आप वहां पर फंस सकते हो, ऐसा मान के चलना, आपको खुद से ही सॉल्व करना चाहिए। बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, सॉल्व करने के बाद अगर आपसे नहीं बनता है तो आपको यहाँ ध्यानपूर्वक देखना है और कैसे बनाना है उसको समझना है। यहाँ पर 16 और 12 को आपस में सब्ट्रैक्ट किए तो हम लोग देख रहे हैं मेरा 4 हो रहा है और -12 है ना, हाँ भैया, जब दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हम लोग का -320 फोर जाने वाला, अर्थात 4x को हम लोग लिखने वाले x² + 16x - 12x - 320 = 0। यहाँ से हम लोग का जब इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान -16 निकल जाएगा और x का मान 12 निकल जाएगा, क्योंकि माइनस का टर्म तो लेते नहीं हम लोग, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग सिंपल सा रिजेक्ट कर देने वाले और हम लोग x का मान 12 लेंगे, 12 मेरा नंबर ऑफ बुक्स निकल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह बनाना है, कैसे बनेगा वो देखो, यहाँ से x कॉमन लिए तो x प्लस 16 आ गया, यहाँ से हम लोग जो टर्म यहाँ था उसी टर्म को यहाँ पर लिख लेंगे, आराम से यहाँ -12 लिखे = 0 किए। अब हम लोग x प्लस 16 दोनों में है, दोनों में x प्लस 16 कॉमन लेंगे और यहाँ पर x माइनस 12 = 0 हो गया, दोनों को x 0 के बराबर करेंगे, हम लोग का x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। बहुत प्यारा टर्म था, कोशिश करना है जो हम लोग का जितना भी लैंग्वेज वाला सवाल आएगा ना उसमें आपका पूरा पक्का रहना, मतलब आपको खुद पर विश्वास रखना है वो मेरा फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो ही जाएगा, इतना समझ के चलना। अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं गलती की हो गया, अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको वहां पर सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ओके। यहाँ देखोगे x प्लस 16 को 0 के बराबर करेंगे तो देयरफॉर x प्लस 16 = 0 एंड x माइनस 12 = 0, दोनों को सॉल्व किया x का मान -16 निकला और यहाँ x का मान 12 निकला, क्योंकि हम लोग बताते हैं ना नंबर ऑफ
कुछ भी, नंबर ऑफ किताब लो, नंबर ऑफ बुक लो, नंबर ऑफ पेन लो, वो आपका निगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर हम बोलेंगे टेबल पर कितना कलम रखा हुआ है, आप थोड़े बोलोगे माइनस पांच कलम रखा हुआ है, आप वहां हमेशा बोलोगे, या तो बोलोगे भैया जीरो कलम, कुछ कलम ही नहीं है, या आप वहां बोलोगे भैया पांच कलम है, दस कलम है, पंद्रह कलम है, नंबर ऑफ पेन, इस प्रकार बताओगे आप। सेम वही चीज यहाँ पर है, कोई भी निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता नंबर में या किसी का, तो आराम से बोलोगे यहाँ पर रिजेक्टिंग दिस वैल्यू, रिजेक्टिंग दिस वैल्यू, ये मेरे हम लोग का रिजेक्ट हो गया। अगेन हम लोग सिंपल सा एक्स इक्वल टू 12 को लेके चलेंगे, अर्थात हैंस द नंबर ऑफ बुक्स इक्वल टू 12, बस इस प्रकार ही बनाना होता है। बताओ इसमें कहां पर कोई भी समस्या, आपको कुछ भी समस्या नहीं आना चाहिए। अगेन हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन में इसे हम आपको बनाने से पहले अपना संपूर्ण समर्पण देना है तीसरे नंबर क्वेश्चन में, ये समझने के पीछे आखिर हमको तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ।